हरे जय राधा माधव कुंज विहारी जय कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय राधा पत सती राधा पत सती राधे जय राधा पत सती राधा जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण जय गौरानीताय 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 जय गौरानीताय जय गौरानीताय गौरानीताय जय गौर जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय नरसिंहदेव जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद लोग प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवेशकाचार्य अष्टोत्तर सर श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की स्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवेशकाचार्य अष्टोत्तर सर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा पार्श्वाथी भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की
संवेद भक्त वृंद की जय, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज, हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज, हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज, हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। तो आज हम लोग अभी क्लास शुरू करने से पहले मंगलाचरण गाएंगे, तो जिनको आता है हमारे साथ में गा सकते हैं, बाकी लोग ध्यान से सुन सकते हैं। ओम अज्ञान थिमरांधस्य ज्ञानांजना शलाखय चक्षुरोन्मीलितं मेना तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते हरि प्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे राधा पारसार्थी मंदिर में। भक्तों से प्रार्थना है कि जिनके बच्चे रो रहे हैं प्लीज उनको शांत कर लीजिए। तो आज आप सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, आज बहुत ही शुभ दिन है। और आप लोग देख रहे होंगे कि भगवान के जो दर्शन है वो कुछ आज अलग हैं। आप लोगों ने नोटिस किया है क्या डिफरेंस है? भगवान को आज चंदन लगा हुआ है। तो आज से एक विशेष उत्सव की शुरुआत हुई है जिसको अक्षय तृतीया बोलते हैं, और आज के दिन भगवान को चंदन लगाया जाता है। और ये चंदन जो दर्शन है वो सिर्फ आज नहीं है, आज से 21 दिन तक कंटिन्यू चलेंगे। जैसे आप हमारे मंदिर में देख रहे हैं आज जो भगवान के बड़े विग्रह हैं उनको भी चंदन लगा हुआ है। तो प्रतिदिन बड़े विग्रह को चंदन नहीं लगाया जाता है, लेकिन जो मेन दिन होते हैं उस दिन भगवान को चंदन लगाया जाएगा और आप लोग आके दर्शन कर सकते हैं। बाकी भगवान के जो छोटे ड्यूटीज हैं उत्सव ड्यूटीज हैं उनको डेली चंदन लगाया जाता है। तो भगवान को ये चंदन लगाने की जो कथा है कैसे शुरू हुई, बहुत ही अच्छी कथा है। ये हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन आता है और बहुत ही उत्साहवर्धक है हम लोगों के लिए भी। विशेष रूप से जब हम लोग भक्ति में आते हैं भगवान को जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान है, हम सब देख रहे हैं कि भगवान है, भगवान सामने है, लेकिन भगवान से हमारा क्या संबंध है? भगवान मंदिर में है, भगवान का रहने का स्थान मंदिर में, हमारा रहने का स्थान घर पे है। कई बार हम सोचते हैं भगवान मंदिर में ही अच्छे हैं, घर पे ज़्यादा लगना ठीक नहीं है। लेकिन ये हमारे मन में एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, हमारे अंदर गलत भावना है ये। जब तक हम जानेंगे नहीं कि भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, तब तक वास्तव में जो लाभ है या जो भक्ति करने का जो हमारे अंदर इच्छा है वो उत्पन्न नहीं होगी। तो हम सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हम सभी भगवान के अंश हैं। भगवद गीता है और हमारे जो शास्त्र हैं, भगवद गीता में विशेष रूप से भगवान इस चीज़ को बता रहे हैं कि जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी हम लोग हैं यहाँ पे इस पृथ्वी पर, हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के शाश्वत अंश हैं और भगवान से कभी भी अलग नहीं हो सकते। हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो है एक पिता और पुत्र का संबंध है।
तो जैसे पिता कभी भी अपने पुत्र को नहीं भूलता, हमेशा उसके लिए अच्छे के लिए सोचता है और सारी चीज़ें व्यवस्थित करते हैं, उसी तरह से भगवान हमारे लिए भी करते हैं। हम उसको देख पाएँ या ना देख पाएँ, समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, इसके फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम समझ पाते हैं तो हमारे अंदर भगवान के प्रति कृतज्ञता की भावना आती है, तब हम भगवान से थोड़ा रेसिप्रोकेशन या भगवान की भक्ति करने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो वास्तव में ये हमारा बहुत ही कहेंगे कि स्वार्थ या सेल्फिश नेचर है कि हम उसी के साथ में आदान प्रदान करना चाहते हैं जिससे हमें कुछ लाभ प्राप्त होता है। अदरवाइज अगर हमें लगता है कि किसी से हमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उससे हम कभी भी आदान प्रदान करने की इच्छा जाहिर नहीं करते, हमारे अंदर इच्छा भी नहीं आती। तो इसीलिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि भगवान आपके लिए अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे, खुद हम बाहर जाके पैसे नहीं कमाएंगे, हमें खाना खाने को नहीं मिलेगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं जो नास्तिक लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो चंदन की जो कथा है, भगवान को चंदन लगाने की कथा है, इस कथा में हम लोग देखेंगे कि भगवान कैसे अपने भक्त के साथ में आदान प्रदान करते हैं। तो बहुत ही सुंदर कथा है ये। ये कथा शुरुआत होती है हमारी परंपरा में, एक आचार्य हुए हैं माधवेंद्रपुरी। परंपरा का मतलब है कि गुरु और शिष्य की परंपरा। ये परंपरा अगर आपके पास भगवत गीता है हमारे इस्कॉन का, तो उसमें आप देख सकते हैं जो प्रस्तावना है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उसके लास्ट पेज पे पूरी परंपरा यह दिखाई गई है। ये परंपरा का मतलब क्या है? भगवान के द्वारा जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हमारे तक पहुँचाते हैं। और अगर उस ज्ञान को हमें सही तरह से समझना है, सही तरह से प्राप्त करना है, बगैर उसमें किसी डेविएशन के, तो क्या है, हमें परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। हम उसको अपने आप स्वयं पढ़ के या स्वयं अपने प्रयासों से नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं जान सकते। तो ये जो स्टोरी है माधवेंद्रपुरी की, ये कौन सुना रहे हैं? स्वयं चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? हमारे जो इस स्ट्रीम लेफ्ट पे जो भगवान का जो अल्टर बना हुआ है, इसमें दो डीटीज है, एक चैतन्य महाप्रभु का और एक नित्यानंद प्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं भगवान है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी की यात्रा पे जा रहे होते हैं अपने चार भक्तों के साथ में, उस समय जब वो एक मंदिर में पहुँचते हैं, गोपीनाथ जी का मंदिर है जो रेमुना में है। अगर आप लोग आज जाएंगे, अभी कभी भी जाएंगे उड़ीसा में रेमुना में, तो वहाँ पे देख सकते हैं मंदिर गोपीनाथ जी का। अभी उनका जो नाम है वो खीर चोर गोपीनाथ है। तो चैतन्य महाप्रभु उसी मंदिर में बैठे हुए हैं और अपने चार भक्तों को उस मंदिर में जो घटना हुई उसको सुना रहे हैं माधवेंद्रपुरी के बारे में। चैतन्य महाप्रभु ने ये स्टोरी कहाँ से सुना? चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान कहाँ से आया? स्वयं भगवान हैं, उनके लिए कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो उनके उनके ज्ञान से परे हो। सब कुछ उनके नॉलेज में है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ये स्टोरी सुना रहे हैं। कैसे? बता रहे हैं कि ये जो कथा है माधवेंद्रपुरी की, वो मैंने किससे सुना था? वो मेरे जो गुरु हैं ईश्वरपुरी, उनसे सुना था। और ईश्वरपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु के जो गुरु हैं माधवेंद्रपुरी, उनका ये कथा है, बहुत सुंदर कथा है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कथा सुनाते हैं, और सुनाते हैं कैसे जो माधवेंद्रपुरी हैं, पहले वो वृंदावन में थे, और वृंदावन में उनको एक जो गोपाल जी का डीटी, जो गोपाल जी का विग्रह है, वो प्राप्त हुआ था। तो वो कथा सुनाते हैं कैसे जब जो माधवेंद्रपुरी हैं वृंदावन में, जब गोवर्धन में परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, और परिक्रमा करने के बाद में बीच में एक स्थान आता है गोविंद कुंड का। गोविंद कुंड पे आके बैठ जाते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद में अपना जो शाम की जो संध्या उनकी साधना थी उसको करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी थे वो एक सन्यासी थे। कैसे सन्यासी थे? अयाचक वृत्ति के सन्यासी थे। वो सन्यासी जो कहीं पे भी मांग के नहीं खाते थे। सन्यास भी चार तरह का होता है, तो माधवेंद्रपुरी जो थे उसमें जो सबसे ऊपर की कैटेगरी है, ऊपर की जो श्रेणी है, उसके सन्यासी थे। वो कहीं पे भी भीख नहीं मांगते थे। अगर स्वेच्छा से उनके पास कोई आके उनको कोई दान दे जाता था, कोई भोजन दे जाता था, कुछ खाने को दे जाता था, तो वो खाते थे, और नहीं आता तो वो क्या करते थे? फास्टिंग करते थे, व्रत रखते थे। ऐसे भक्त थे माधवेंद्रपुरी।
जब माधवेंद्रपुरी वहाँ पे बैठे हुए थे गोविंद कुंड पे अपना हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे, उसी समय क्या देखते हैं, एक छोटा सा बालक आता है। छोटा सा जो बालक आता है, बहुत सुंदर बालक है, वो माधवेंद्रपुरी के पास में आता है और एक जो मिट्टी का बर्तन होता है मटका, उसमें दूध लेके आता है और उनको बोलता है कि मैं आपके लिए दूध लेके आया हूँ। तो माधवेंद्रपुरी बोलते हैं कि आपको कैसे पता कि मतलब मेरे को दूध चाहिए। तो जो छोटा सा बालक होता है, अरे कृष्णा आप लोगों से प्रार्थना है कृपया यहाँ पे बात मत कीजिए प्लीज। तो जो छोटा सा बालक है वो बताता है कि ये मेरा गांव है, मैं इस गांव में रहता हूँ और इस गांव में जो भी आता है वो कोई भी भूखा नहीं जाता। हमारे गांव का नियम है कि इस गांव में जो भी आता है वो भूखा नहीं जाता। तो उनको बताते हैं कि आप जब यहाँ पे बैठे हुए थे तो हमारे जो गांव की जो कुछ स्त्रियाँ हैं वो यहाँ पे आई थी गोविंद कुंड में जल लेने के लिए, उन्होंने आपको देखा और मुझे बताया कि वहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए हैं और उन्होंने मुझे दूध भी दिया आपको देने के लिए, तो मैं आपके लिए दूध लेके आया हूँ। तो जो माधवेंद्रपुरी थे जब वो उस बच्चे को देखते हैं तो उसकी सुंदरता से बहुत आकर्षित होते हैं और उसको भुला नहीं पाते। लेकिन इतना कह के वो जो बालक था बोलता है कि अभी शाम का समय हो गया है, हमें जो गाय हैं उनसे दूध दुहना है और मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अपना बर्तन आपसे वापस लूँगा आके, लेकिन बाद में आऊँगा आपके पास। तो माधवेंद्रपुरी दूध पी लेते हैं, पीने के बाद में उस बर्तन को साफ करके अपने पास रख लेते हैं, लेकिन वो सो नहीं पाते। वो शाम का समय जाता है, रात का समय जाता है, लेकिन वो सो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वही जो चेहरा है उनके मन में मस्तिष्क में बार बार घूम रहा है, उसको भुला नहीं पा रहे हैं। तो बैठे बैठे नींद नहीं आ रहा है तो अपना जप करते हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। बीच में क्या होता है, उनको थोड़ा सा नींद आ जाता है और नींद आता है तो जो बाहर की क्रियाएं हैं जब वगैरह बंद हो जाता है, वो लेट जाते हैं। उसी समय सपने में वही बालक के दर्शन उनको दोबारा होते हैं। वो बालक उनको आके बोलता है कि माधवेंद्रपुरी मैं आपका इंतजार कर रहा था यहाँ पे, आप आए हैं, मेरा नाम गोपाल है। और बोलता है कि जो मेरा एक विग्रह है वो यहीं पे पास में झाड़ियों में छुपा हुआ है। तो सपने में ही वो बालक माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ कर उनको लेके जाता है उन झाड़ियों में और वहाँ पे क्या करता है, उनको वो स्थान दिखाता है जहाँ पे भगवान को जो विग्रह था वो दबा हुआ था। और वो जो गोपाल जी थे सपने में उनको बताते हैं कि जो ये जो डीटी था ये बज्रनाभ ने स्थापित किया था। बज्रनाभ कौन थे? जो भगवान कृष्ण के जो उनके लिनेज में आते हैं, अभिमन्यु के पुत्र, ग्रैंड ग्रैंड सन थे, भगवान के ग्रैंड ग्रैंड सन थे बज्रनाभ। उन्होंने भगवान का ये विग्रह स्थापित किया था वृंदावन में। लेकिन बीच में क्या हुआ, जब अकबर के समय में मुसलमानों ने आक्रमण किया वृंदावन में तो बहुत क्षति पहुंचाया था वहाँ पे, कई सारे जो मंदिर थे उनको तोड़ दिया गया था, कई सारे विग्रह थे उनको तोड़ दिया गया था। तो उस वजह से जो वहाँ के मेन मेन विग्रह थे, वहाँ के जो भक्त लोग थे उन्होंने उनको या तो कहीं छुपा दिया था या उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया था। जैसे हम लोग को पता है कि जो गोविंद देव जी हैं उनको जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था, मदन मोहन जी हैं वो भी जयपुर चले गए थे, बाद में वो करौली में आ गए। जो गोविंद देव जी का जो गोविंद देव ये जो गोविंद थे इनका जो डिटीज था वहीं पे पुजारी ने छुपा दिया था और छुपा के उसको अपनी जान की भय से वहां से भाग गया था। काफी समय से वो वहीं पे विग्रह छुपा हुआ था। तो माधवेंद्रपुरी को बताने के बाद में बालक उनको बोलता है कि आप मुझे यहाँ से निकाल लो और मुझे गोवर्धन के ऊपर स्थापित करो। तो इस तरह से सपने में भगवान माधवेंद्रपुरी को आदेश दे रहे हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, सोचिए माधवेंद्रपुरी को भगवान स्वयं आके क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। पहले उनके लिए स्वयं क्या लेके आए हैं, दूध लेके आए हैं, बाद में उनको आदेश दे रहे हैं। क्यों आदेश दे रहे हैं इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो फिर क्या होता है, अगले दिन सुबह जब माधवेंद्रपुरी सो के उठते हैं, सारे गाँव वालों को इकट्ठा करते हैं और उनको बताते हैं कि मुझे ऐसा स्वप्न आया है, हम सब लोग चलते हैं वहाँ पर, हमें भगवान के जो डिटीज़ हैं उनको निकालना है। बोलते हैं वो काफ़ी घना जंगल है, हमें अपनी जो कुल्हाड़ी है या जो कुदाल वगैरह है लेके चलना होगा क्योंकि रास्ता बना के जाना पड़ेगा। तो फिर गांव वालों की मदद से वहाँ पर जाते हैं, उस विग्रह को प्राप्त करते हैं, निकालते हैं वहाँ से। निकालने के बाद में गोवर्धन के ऊपर जाके स्थापित करते हैं उस विग्रह को। गोवर्धन के ऊपर आज भी वो मंदिर है गोपाल जी का, वहाँ पर जो माधवेंद्रपुरी ने स्थापित किया था। तो उस विग्रह को वहाँ पर स्थापित करते हैं और हमारे जो चैतन्य चैतन्यमृत जो ग्रंथ है
उसमें कृष्णदास कवि आज बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं कि भगवान को कैसे वहाँ पे स्थापित किया गया, भगवान का ऑल्टर बनाया गया, सारे गांव वालों कैसे भगवान के लिए जल लेके आए। पहले 100 घड़ों में जल आता है, फिर 900 घड़ों में जल आता है, फिर 100 घड़ों में घी और पानी आता है। जितने गाँव वाले थे सब अपने घर से सारा सामान लेके आते हैं, और भगवान का जो स्थापना के बाद सेरेमनी होता है अन्नकूट फेस्टिवल, उसमें बहुत विशाल मात्रा में भगवान को ऑफरिंग होता है, भोग लगता है भगवान को। और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं अपने साथियों को कि जो गोपाल जी के डिटीज हैं वो बहुत समय से भूखे थे, क्योंकि काफ़ी दबे हुए थे। उन्होंने क्या कि उन्होंने सारा प्रसाद स्वीकार किया था, सारा प्रसाद उन्होंने खा लिया था, लेकिन भगवान की महिमा ऐसी है कि सारा प्रसाद खाने के बाद भी सारा का सारा प्रसाद वहीं पर था। और हमारे कृष्णदास कविराज बताते हैं कि ये जो जो ये भगवान का जो लीला है कि सारा प्रसाद खा भी लिया और सारा प्रसाद वहाँ पे है, ये हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई इस पे विश्वास भी नहीं कर सकता। सिर्फ जो भगवान के भक्त हैं वही इस लीला को समझ सकते हैं और इस पे विश्वास कर सकते हैं। अदरवाइज जो आम आदमी है उनके लिए संभव नहीं है कि हम विश्वास कर पाए। तो वो फेस्टिवल उस दिन होता है, फिर जैसे जैसे आसपास खबर फैलती है कि गोविंद देव जी का विग्रह मिला हुआ है और वहाँ पे उनका गोवर्धन जी के ऊपर मंदिर बना के उनको स्थापित किया गया है, तो आसपास के गांव के लोग उनको आके देखना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आते हैं फिर वो माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी एक उत्सव मनाने का अवसर दीजिए। तो इस तरह से वर्णन वहाँ पे बताया गया है कि एक एक गाँव एक एक दिन आता था, सारा सामान लेके आते थे अपने गाँव से, जितना भी खाद्य सामग्री होता था वहाँ पे पूरा कुकिंग करते थे, सबको प्रसाद खिलाते थे। तो इस तरह से कई दिन तक ये फेस्टिवल्स चलते रहे वहाँ पे। फिर उसके बाद में वहाँ पे गोपाल जी का विग्रह का जो सेवा है नित्य बहुत अच्छे से प्राप्त मतलब शुरू हो गया था। तो वहाँ पे मथुरा से भी कई जो धनी जो वैश्य लोग थे बीच बीच में आते थे भगवान के लिए, बहुत सारे वैल्यूएबल्स जो मूल्यवान हैं आभूषण और गिफ्ट लेके आते थे, भगवान को ऑफर करते थे। तो इस तरह से जो गोपाल जी का जो क्या बोलते हैं खजाना था काफ़ी बड़ा हो गया था, और सारे गांव वालों ने मिलके एक एक गाय थी वो गोपाल जी को दिया था। तो इस तरह से जो गोपाल जी की संपत्ति थी बहुत हो गई थी, जिससे क्या था उनका मंदिर बहुत आराम से चलता था। उसी बीच में जो बैच लोग थे, एक लोग ने आके मंदिर बनवाया, दूसरे ने आके वहाँ पे जो दीवारें थी वो बनवाई, इस तरह से सारी व्यवस्था वहाँ पे अपने आप हुई। तो हम देख सकते हैं कई बार हम सोचते हैं कि हम भगवान के मंदिर में दान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान हमें एक अवसर देते हैं सेवा करने का, वास्तव में भगवान के लिए किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ के लिए कमी नहीं है। और यहाँ पे इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं माधवेंद्रपुरी जो खुद अपने लिए भी खाने के लिए मांगने नहीं जाते थे, वो भगवान का मंदिर कैसे बनवा सकते हैं। सिर्फ भगवान की महिमा है ये, जिसकी वजह से वो विशाल मंदिर वहाँ पे बना और चला। 2 साल तक ऐसे कथा चलता रहा, भगवान का वर्शिप चलता रहा, माधवेंद्रपुरी वहीं पे रहे। 2 साल के बाद क्या हुआ, एक दिन फिर गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के सपने में आए, और इस बार जो उन्होंने सपने दिया वहीं से ये चंदन यात्रा जो चंदन की कथा है वो शुरू होती है। तो इस बार जब गोपाल जी सपने में आए तो बोले माधवेंद्रपुरी को कि मैं काफ़ी समय से नीचे दबा हुआ था, तो क्या हुआ मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा शरीर बहुत गर्म हो चुका है। बताते हैं कि हालांकि आपने मुझे मतलब जो 900 घड़े थे उनसे स्नान कराया, लेकिन उससे भी मेरा जो शरीर का जो ताप है वो ठंडा नहीं हुआ अभी। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ से जाइए, कहाँ जाइए, जगन्नाथपुरी मलय देश में, जगन्नाथपुरी में जाइए, वहाँ से मेरे लिए चंदन लेके आइए। उस समय जो आने जाने का कोई साधन मौजूद नहीं था, वृंदावन से उड़ीसा हम लोग अभी ट्रेन से जाते हैं तो ऑलमोस्ट 28-30 आवर्स लगते हैं, 30 घंटे लगते हैं। उस समय माधवेंद्रपुरी वृंदावन से उड़ीसा पैदल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु स्टोरी खत्म होने के बाद में बता रहे हैं अपने भक्तों को कि भगवान को किसी की भी कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सब जो उनके जो भक्त लोग हैं या जो बाकी समाज है उनको ये दिखाने के लिए कि जो भगवान का भक्त है वो भगवान से कितना प्रेम करता है, भगवान क्या कर रहे हैं, गोपाल जी को आके स्वप्न दे रहे हैं और उनको बार बार इस तरह की क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। पहले उनको आदेश दिया मुझे निकाल के मेरा मंदिर बनाइए, दोबारा उनको आदेश दिया कि आप यहाँ चल के जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ से मेरे लिए चंदन लेके आइए। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा सन्यासी जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो खुद अपने लिए भी भीख नहीं मांगते हैं, खाली पेट
चल रहे हैं, और उसके बाद 40 किलो जो चंदन है, एक मन चंदन वहाँ से लेके आ रहे हैं, वो कैसे वो लेके आ रहे होंगे हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे लिए खाली पेट चलना मुश्किल होता है, वो 40 किलो का वेट लेके चल रहे हैं। तो ये क्या है, उनको ये शक्ति कहाँ से मिल रही थी, कहाँ से वो कर पा रहे थे? उनके हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम था, वो उनको क्या कर रहा था, उत्साह दे रहा था, वो उनको इनकरेज कर रहा था, किसके लिए, भगवान के लिए और सेवा करने के लिए। हम लोगों के भी जीवन में कई सारे उदाहरण आते हैं। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रेम होता है वो कम से कम एटलीस्ट हमारे फैमिली मेम्बर्स के प्रति तो होता ही है, और जब फैमिली मेम्बर में किसी के ऊपर कोई परेशानी आती है तो हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, हम अपना खाना पीना सब भूल जाते हैं और उनकी हर तरह से मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो ये जो अटैचमेंट है वो, लेकिन हमारा फैमिली तक ही लिमिटेड रहता है, और वो भौतिक जो प्रेम है उसी श्रेणी में आता है। लेकिन जो भगवान का प्रेम है वो विशुद्ध है। भौतिक जगत के प्रेम में सेम चीज़ है कि हमारी आशा होती है कि आज हम कुछ मदद कर रहे हैं तो कल को हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन जब भगवान से हमारा प्रेम होता है तो भगवान से प्रेम जो होता है वो कैसा होता है, उसमें जो भगवान का भक्त है भगवान से कुछ भी पाने की आशा नहीं करता, बल्कि सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है, ऐसा प्रेम होता है भक्त का भगवान के साथ में। तो माधवेंद्रपुर यहाँ पे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि जब वो रास्ते में जाएंगे तो उनको खाने के लिए चीज़ें मिलेंगी या उनको उठाने के लिए कोई सपोर्ट मिलेगा। और उस समय बताते हैं कि रास्ते में जब जाते थे, एक जो राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते थे या जब एक नदी क्रॉस करते थे, तो वहाँ पे कई सारे जो जो भी चेक पोस्ट होते हैं, टैक्स कलेक्टर होते हैं, वो लोग वहाँ पे थे। और वहाँ पे क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो कुछ ना कुछ धनराशि कर के रूप में देना पड़ता था, लेकिन माधवेंद्रपुरी के पास कुछ नहीं था, तो मिलते हुए लोगों से ऐसे क्रॉस करके जा रहे थे, और जाते जाते वो उड़ीसा पहुँच जाते हैं, उड़ीसा में जो स्थान आता है रेमुना, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं अपने भक्तों को स्टोरी सुना रहे हैं। रेमुना में एक मंदिर है गोपीनाथ जी का, तो उसी मंदिर में जब माधवेंद्रपुरी जाते हैं और गोपीनाथ जी के दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते ही उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम था वो उमड़ आता है, और वो वहाँ पे भगवान का कीर्तन करते हैं और नाचते हैं। उसके बाद में जब शाम हो जाती है तो वो वहाँ पे यह पता करना चाहते हैं, उनके अंदर इच्छा होती है कि मतलब यहाँ पे देखता हूँ कि भगवान की सेवा कैसे करते हैं ये लोग, भगवान को किस तरह से, भगवान को ये भगवान को भोग बना के ऑफर करते हैं। जो उनके अंदर भक्ति भावना थी उनसे उनको इतना अंदेशा लग जाता है कि यहाँ पे उस मंदिर में जो भगवान को भोग लगाते थे वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाते थे, तो उनके हृदय में इच्छा होती है कि मतलब अगर यहाँ पे जो भोग लगता है भगवान को मुझे पता चल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं भी अपने गोपाल जी को वही प्रिपरेशन बना के ऑफर करूँगा, जिससे क्या है भगवान को और प्रसन्नता मिलेगी। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि माधवेंद्रपुरी के हृदय में इच्छा आ रही है, क्या आ रही है, अपने भोग के लिए नहीं आ रही है, सिर्फ भगवान की सेवा के लिए आ रही है। तो इस तरह से सोचते हुए वो एक ब्राह्मण वहाँ पे मिलते हैं, मंदिर के जो सेवक होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बातचीत करके उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे भगवान को कैसा भोग लगाते हैं आप। तो ब्राह्मण था, उनको डिटेल में सारा डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि भगवान को कैसे प्रिपरेशन बना के ऑफर करते हैं। और समय शाम का समय हो गया था, शाम के समय भगवान को एक विशेष प्रकार का खीर बना के ऑफर किया जाता है। तो जो ब्राह्मण था वो भगवान को, वो माधवेंद्रपुरी को बताता है कि अभी ये समय है जहाँ पे हम हमारे जो गोपीनाथ जी हैं उनको विशेष प्रकार का खीर बना के भगवान को ऑफर करते हैं, और वो खीर एक बर्तन में नहीं होता था, 12 बर्तन में रख के, थाली में रख के उनको ऑफर करते थे भगवान को। उस खीर का नाम बताते हैं अमृत केली, बहुत सुंदर बहुत टेस्टी खीर होता है वो। तो इस तरह से जब वो ब्राह्मण था माधवेंद्रपुरी को डिस्क्रिप्शन बता रहे थे भगवान के भोग के बारे में, उसी समय भगवान को भोग लगने के लिए वो सारा चीज़ आता है, वो प्रसाद भोग आता है, 12 बर्तन में खीर रखा हुआ आता है भगवान को ऑफर होने के लिए। तो वो भगवान को ऑफरिंग के लिए जा रहा होता है, उसी समय माधवेंद्रपुरी जो होते हैं वो सोच रहे हैं मन में सोच रहे हैं क्या, कि अगर ये खीर मैं किसी से ना बोलूँ, बगैर बोले हुए मुझे अगर ये खीर थोड़ा सा मिल जाए टेस्ट करने के लिए, तो मुझे इसका टेस्ट पता चल जाएगा कि कैसा होता है, तो उसी तरह से मैं बना के अपने भगवान को, गोपाल जी को ऑफर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो माधवेंद्रपुरी के बारे में बताया जा रहा है, माधवेंद्रपुरी कैसे थे, अयाचक थे, भीख नहीं मांगते थे। तो
तो इसलिए उन्होंने किसी से मांगने की इच्छा उनके मन में नहीं आई, उनको पता था किसी से मांग नहीं सकते, लेकिन फिर भी इच्छा हुई कुछ क्या टेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसी तरह से बना के भगवान को ऑफर करना चाहते थे, भगवान को भोग लगाना चाहते थे। लेकिन जैसे ये विचार आने के बाद में मन में सोचते हैं कि ये तो मैंने अपराध कर दिया, भगवान को भोग लगने से पहले मैंने इच्छा मेरे मन में आ गई, ये अपराध हो गया, ऐसा सोचते हुए वो उसी समय मंदिर से चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो वर्णन आ रहा है बताते हैं कि जब भी हम भगवान को कोई चीज़ ऑफर, भगवान को भोग लगाने के लिए जाते हैं, उसको खुला हुआ लेके नहीं जाते। खुला हुआ लेके जाने से क्या है, कोई भी देखेगा उसके मन में इच्छा आ सकती है, वो एक अपराध की कैटेगरी में आता है। इसलिए जब भी भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ भी हम लोग खाद्य पदार्थ या भगवान का भोग बनाते हैं, उसको ढक के भगवान को ऑफर करने के लिए जाते हैं, और भगवान के सामने वो खोल के भगवान को ऑफर किया जाता है। तो माधवेंद्रपुरी की जब मन में इस तरह से इच्छा आई, उनको महसूस हुआ कि उनसे अपराध हो गया है, वो मंदिर से चले जाते हैं। और वहीं रेमुना में ही गांव में जाके एक बाहर जो बाज़ार होता है वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, बैठ के अपना दोबारा से भगवान का भजन करने लगते हैं। इधर जो गोपीनाथ जी का मंदिर था वहाँ पे क्या होता है कि समय हो जाता है, पुजारी शाम का सेवा करके क्या करते हैं, भगवान का दर्शन बंद करते हैं और पुजारी सोने के लिए चला जाता है। सोने के बाद रात में गोपीनाथ जी उस पुजारी को फिर सपने में आते हैं, और सपने में आके उसको बोलते हैं कि आपने जो मुझे भोग लगाया था 12 कटोरी, उसमें से एक कटोरी था वो मैंने छुपा के अपने पीछे रखा हुआ है कपड़े के पीछे, आप जाइए उस कटोरी को लीजिए, उस बर्तन को लीजिए और बाजार में क्या है, माधवेंद्रपुरी बैठे हुए हैं, माधवेंद्रपुरी नाम के एक सन्यासी आए हुए हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं, जाइए और उनको ये जो बर्तन है खीर का वो उनको दे दीजिए। पुजारी जब उठता है उसको आश्चर्य होता है कि भगवान ऐसा कर सकते हैं, फिर भी वो भगवान के ऑल्टर में जाने से पहले स्नान करके जाता है, देखता है वहाँ पे खीर का बर्तन रखा हुआ होता है, बर्तन लेके आता है, अपने सेवा करके मंदिर को बंद करके, बंद करने के बाद में फिर वो बाजार में जाता है, और बाजार में जाने के बाद में आवाज़ लगाता है कि माधवेंद्रपुरी नाम का कोई सन्यासी यहाँ पे है क्या, और कोई है तो आइए, आपके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराया हुआ है, आप आके इसको ले लीजिए। इस तरह से चिल्लाते हुए जाता है, तो आगे जाके जब माधवेंद्रपुरी ये सुनते हैं तो बाहर आके क्या करते हैं, उससे खीर ले लेते हैं, और खीर लेके उसको खाते ही उनको बहुत आनंद आता है, भगवान का प्रसाद साक्षात उनको प्राप्त हुआ। तो जो पुजारी होता है बोलता है उनको माधवेंद्रपुरी को कि हे माधवेंद्रपुरी आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वयं गोपीनाथ जी ने क्या किया है, आपके लिए खीर चुराया हुआ है। तो वहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब भगवान इस तरह का कोई भी कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका जो भक्त हैं, भक्त के लिए उन्होंने चोरी किया तो भक्त की जो ख्याति है और फैलती है। बहुत ही जल्द कोई चोरी करता है उसकी बदनामी होती है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में कम्प्लीटली अपोजिट है। तो माधवेंद्रपुरी जब वो खीर लेते हैं, खाते हैं, खाने के बाद बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और जो पॉट था मिट्टी का उसको तोड़ के अपने पास रख लेते हैं, फेंकते नहीं हैं, उसको तोड़ के अपने कपड़े में बांध के रख लेते हैं, और उसको आगे आने वाले दिनों में एक एक टुकड़ा रोज खाते थे भगवान का प्रसाद के रूप में स्वीकार करके। तो उसी समय माधवेंद्रपुरी ये सोचते हैं कि मतलब गोपीनाथ जी ने मेरे लिए खीर चुराया है, और सुबह होते होते ये बात सारे नगर में फैल जाएगी, फैल जाएगी तो सब लोग आके मुझे प्रणाम करेंगे, मेरे को आदर देंगे, सम्मान देंगे, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, रात में ही रमुना छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं, निकल जाते हैं कहाँ के लिए, जगन्नाथपुरी के लिए। जगन्नाथपुरी क्यों जा रहे थे, चंदन लेने के लिए। रास्ते में जो भी घटनाएं हो रही हैं लेकिन भगवान का आदेश उनके मन में है, उसको नहीं भूल रहे हैं, चंदन लेने के लिए जाते हैं जगन्नाथपुरी। लेकिन जगन्नाथपुरी में जैसे ही पहुंचते हैं तो उनके पहुंचने से पहले ये खबर वहां पहुंच चुकी होती है कि गोपीनाथ जी ने क्या किया, माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराया। तो उस दिन से जो वहां के जो डीटीज हैं, जो रेमुना के जो हमारे भगवान के विग्रह हैं, उनका नाम गोपीनाथ से खीर चोर गोपीनाथ हो गया, और आज भी वो खीर चोर गोपीनाथ के नाम से ही प्रसिद्ध है वहां पे। और वहां पे जो खीर का भोग लगता है वो और कहीं भी नहीं लगता, पूरे संसार में वैसा खीर का भोग और कहीं पे भी नहीं लगता। तो आप सब भी उस खीर का आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन आपको रेमुना जाना होगा, भगवान के दर्शन करके वहां पे प्रसाद पा सकते हैं। तो फिर वहां से जब माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी आते हैं, जगन्नाथपुरी में आके सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं,
तो माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, वहां पे बैठ के उन सब लोगों को कैसे गोविंद देव जी जो वृंदावन में जिनका मंदिर बनाया था गोवर्धन के ऊपर, उनको बताते हैं कि जो गोविंद जी हैं जो गोपाल जी हैं वो कैसे प्रकट हुए हैं वृंदावन में, और उन्होंने इच्छा जाहिर की है। क्या इच्छा जाहिर की है? कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है, मुझे चंदन चाहिए, आप मेरे लिए चंदन कहाँ से लेके आइए? जगन्नाथपुरी से। तो उस समय जो था, उस समय चंदन इतनी आसानी से नहीं मिलता था। हमारे चैतन्य चरितामृत में तो वर्णन आता है कि चंदन इतना आसानी से नहीं मिलता था। तो जो भी वहाँ पे लोग जगन्नाथपुरी में सारे भक्त लोग बैठे हुए थे जिन्होंने ये कथा सुनी, तो सभी अपने अपने सोर्स लगाने लगे कि कैसे चंदन मिल सकता है। तो गवर्नमेंट से वहाँ की जो भी थे वहाँ से सोर्स लगाया और वहाँ से उन्होंने चंदन उनको मिल गया। अब चंदन तो मिल गया, लेकिन चंदन जगन्नाथपुरी से वृंदावन लेके आना आसान नहीं था। तो फिर उनको सहायता के लिए क्या करते हैं, उनको दो असिस्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं सहायता के लिए। और साथ में, चूँकि जैसे हमने बताया कि पहले क्या करते थे, जैसे ही एक नदी क्रॉस करते थे या एक राज्य क्रॉस करते थे तो क्या होता था, हर जगह पे चेक पोस्ट बने हुए थे, कर देके ही आगे जा सकते थे। और चंदन को स्पेशली लेके जाना उन दिनों में और आसान नहीं था, बहुत कठिन था, डिफिकल्ट था कि चंदन को आप लेके जा रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो उसके लिए गवर्नमेंट से जो भी पेपर्स वगैरह थे सारा पेपर वर्क करके उनको दिया गया और उनको सारा असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया। तो फिर माधवेंद्रपुरी अब चंदन लेके वापस आ रहे हैं। वापस जैसे ही आते हैं रेवना में फिर से गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं और वहाँ पे रुकते हैं। वहाँ पे जो पुजारी था उनको पहचान जाते हैं, लोग उनको पहचान जाते हैं। तो शाम को फिर से उनको बही खीर लाके उनको मिलता है। तो वहीं पे उनको आके फिर से खीर उनको ऑफर होता है और फिर एक बार फिर से गोपाल जी उनके सपने में आते हैं। तीसरी बार गोपाल जी उनके सपने में आ रहे हैं और फिर से उनको एक आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं? कि माधवेंद्रपुरी यहाँ पे जो गोपीनाथ जी के जो विग्रह हैं वो मेरे से अलग नहीं हैं, और तो आप क्या कीजिए, जो भी आप चंदन और कपूर लेके आ रहे हैं वो यहीं पर आप इसको घिसवाइए और जो गोपीनाथ जी के जो विग्रह हैं क्या करना है उन पर लगवाइए। और कब तक लगवाइए? जब तक ये जो सारा चंदन और कपूर आप लेके आए हैं ये समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप क्या करना है, गोपीनाथ जी के विग्रह पे वही चंदन लगाना है जैसे हमारे मंदिर में आप देख रहे हैं चंदन लगाया गया है। फिर जो माधवेंद्रपुरी हैं वो अपने सहायकों से क्या करते हैं, उस चंदन को घिसवाते हैं और भगवान को लगाना शुरू करते हैं। तो आगे चल के चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं अपने भक्तों को कि जो गोपाल जी हैं उनको पता था कि जो माधवेंद्रपुरी हैं वो कैसे हैं, एक सन्यासी हैं, अयाचक वृत्ति के सन्यासी हैं जो भीख मांग के भी नहीं खाते, वो भूखे हो के चंदन लेके चल रहे हैं, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। हाँ, तो ये सब जानते हुए गोपाल जी ने क्या किया, उनको बोला कि नहीं आप वो चंदन है गोपीनाथ जी को लगाओ। तो भगवान का ये प्रेम है, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं ये दिखाने के लिए पहले अपने भक्तों को क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जो मेरा भक्त है वो मेरे लिए किसी भी मुसीबत को सहन करते हुए मेरी सेवा करने से कभी भी चूकेगा नहीं। तो माधवेंद्रपुरी इतना कष्ट उठाते हुए जा रहे हैं, चंदन लेके आ रहे हैं, भगवान को लगा रहे हैं, और फिर बाद में जो गोपीनाथ जी हैं वो बार बार आके सपने में उनके साथ में क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं और उनको बता रहे कैसे उनको चंदन लगाया जाएगा। ये सारा उनको हर एक तरह से उनको निर्देश दे रहे हैं। तो हालांकि माधवेंद्रपुरी जब सपने में उठते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये गोपाल जी का आदेश है कि जो चंदन है गोपीनाथ जी को ही लगाया जाए। तो कहते हैं ठीक है, जैसा भगवान की इच्छा है वैसा ही करेंगे। फिर वो चंदन वहीं रेमुना में खीरचूर गोपीनाथ जी को लगाया जाता है 21 दिनों तक। तो उसी समय से ये जो चंदन यात्रा है, चंदन लगाने की भगवान को जो प्रथा है वो शुरू हुई। और आज भी हमारे जितने भी मंदिर हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं, आज के दिन से भगवान को चंदन का जो है, भगवान को चंदन लगाया जाता है, पूरे शरीर में चंदन लगाया जाता है। तो बहुत सुंदर कथा है ये, जैसे हम लोग इसको सुन रहे हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे जब भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है तो भगवान के लिए कुछ भी सेवा करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो प्रेम है अपने आप जागृत नहीं होता, हम लोगों के हृदय में वो प्रेम है
लेकिन अभी क्या है, अभी वो ढक चुका है। हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो भौतिक जगत के जो कई सारी चीज़ें हैं, उनसे वो पूरी तरह से ढक चुका है। तो उस प्रेम को अब हमें जागृत करना होगा। अगर हम उस प्रेम को जागृत करने का प्रयास करेंगे जो हमारे आचार्य लोगों ने जो हमें विधि बताई है उसके माध्यम से, तो क्या होगा, भगवान का जो हम आदान प्रदान है वो हम अपने जीवन में भी महसूस कर सकते हैं। साक्षात जैसे माधवेंद्रपुरी उस चीज़ को अनुभव कर रहे थे, हम लोग भी उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हमें उस प्रेम को अपने हृदय में जागृत करना होगा, उसके लिए हमें अपने अंदर इच्छा जाहिर करनी होगी। तो हमारे जो परंपरा में जो आचार्य लोग आते हैं वो ही हमें पूरा विधि बताते हैं कैसे हम उस प्रेम को जागृत कर सकते हैं। तो जब हम उनके अनुगत होके उनके अंडर में जो भक्ति की जो विधि है उसको पालन करने का प्रयास करते हैं, उनके निर्देशन में सीखने का प्रयास करते हैं और पालन करते हैं, तब उस प्रेम को हम अपने अंदर भी जागृत कर पाएंगे। तो विधि बहुत आसान है। हमारे इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी भक्त हैं आप किसी से मिलके पूछेंगे, सारा विधि आपको बताते हैं और हम लोग इनकरेज भी करते हैं। उनमें से एक है जो हमारा हरे कृष्णा महामंत्र का जप भी है। जब आप लोग पहले आए थे तो कीर्तन भी चल रहा था हरे कृष्णा मंत्र का, क्लास से पहले भी हमने कीर्तन किया। तो वो हरे कृष्णा मंत्र का जो जप है, जो माधवेंद्रपुरी भी कर रहे थे, उनका भी वर्णन आता है कि गोविंद कुंड में भी उन्होंने किया, रेवना में भी किया और करते हुए जा रहे थे, वही हरे कृष्णा महामंत्र उसी परंपरा के माध्यम से हमारे पास भी अभी आ रहा है, आचार्यों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हमारे पास भी आ रहा है। तो हम सब लोग भी उसका लाभ उठा सकते हैं। जो हरे कृष्णा महामंत्र है हम सब भी उसको जप सकते हैं। आप देख रहे होंगे कई सारे भक्तों के पास में ये झोली है, इसमें माला है, सभी लोग उसमें जप करने का प्रयास करते हैं, सभी लोग जप करते हैं। तो जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं आप सब भी उसका जप कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया में जो भगवान का जो प्रेम अपने हृदय में जागृत करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे जाएगी, हमारे अंदर शुद्धता आएगी, तो भगवान का जो आदान प्रदान है, हमारे जीवन में भगवान कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं हम उसको भी महसूस कर पाएंगे। तो आप सभी लोग आज यहाँ पे आए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान के चंदन दर्शन कर रहे हैं। विशेष रूप से साल में इसी समय भगवान के दर्शन चंदन के रूप में होते हैं, और आपने कथा भी श्रवण किया, तो धन्यवाद। अभी प्रभु जी आपको और बताएंगे इसके बारे में, आज के जो उत्सव है उसके बारे में। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई और उसके पीछे जो सिद्धांत है उसकी भी व्याख्या की। तो जो चंदन यात्रा है, माधवेंद्रपुरी की शिष्य परंपरा में जितने भी मंदिर हैं उनमें ये विधि है चंदन यात्रा की, कि 21 दिन के लिए आज से शुरू करके भगवान को चंदन का लेप करते हैं। तो आपके घर में भी अगर भगवान के अर्चा विग्रह हैं तो आप लोग भी आज से शुरू कर दीजिए, अगर आज नहीं लगाया है तो कल से शुरू कर दीजिए, और 21 दिन तक करना है। तो 21 दिन आज से 21 दिन का मतलब 12 मई तक चंदन लगाइए भगवान को। इसके अलावा तुलसी शालिग्राम जलदान का भी समय चल रहा है, जो कि 15 अप्रैल से शुरू हुआ था और 14 मई तक चलेगा, एक महीने के लिए। तो आप लोगों के घर में अगर शालिग्राम शिला है, कितने लोगों के घर में शालिग्राम शिला है, किसी के घर में है शालिग्राम शिला? शालिग्राम शिला अगर है तो आपको जो है सवेरे 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक तुलसी वृक्ष के नीचे शालिग्राम को जो है स्थापित करके, और तुलसी वृक्ष के ऊपर एक ऐसा कलश आप स्थापित करिए जिससे कि बूंद बूंद पानी शालिग्राम के ऊपर गिरे, और वो शालिग्राम का जो जल है वो तुलसी जी को प्राप्त होगा। इस प्रकार से शालिग्राम और तुलसी की विशेष प्रसन्नता होती है। ये समय ऐसा है शालिग्राम को, ये जो समय है ये ज़्यादा गर्मी लगती है, तो तुलसी शालिग्राम जलदान का भी ये समय चल रहा है और चंदन यात्रा, और आज अक्षय तृतीया भी है। अक्षय तृतीया का मतलब है कि आज के दिन कलयुग
सतयुग प्रारंभ हुआ था। सतयुग जब प्रारंभ होता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। कलयुग समाप्त होता है तो कलयुग की चरम अवस्था होती है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति कलयुग की होती है और अगले दिन से कलयुग सतयुग शुरू होता है, एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि कलयुग में लोगों की आयु 20 साल की रह जाती है और अगले दिन से सतयुग शुरू होता है तो कितना बड़ा परिवर्तन होता है, 1,00,000 साल की आयु। 20 साल की आयु से एकदम 1,00,000 साल की आयु हो जाती है लोगों की। शरीर भी जो है बड़े बड़े हो जाते हैं। कलयुग में जो पेड़ पौधे होते हैं और मनुष्यों का भी जो आकार है वो एकदम छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है ना, और एकदम से शरीर का आकार भी बड़ा हो जाता है ना। धर्म के चारों चरण नष्ट हो जाते हैं कलयुग में और अगले दिन सतयुग होता है तो चारों चरण पूरे धर्म के हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अक्षय तृतीया का मतलब है कि आज के दिन अगर आप कुछ कार्य करते हैं, कुछ दान करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अध्ययन करते हैं तो उसका बहुत फल प्राप्त होता है। तो आज का दिन जो है इस तरह का है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? अभी तक आपने जो चर्चा सुनी, कथा सुनी, इस विषय में किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा, महाभारत का युद्ध आज ही खत्म हुआ था। इनका प्रश्न है महाभारत का युद्ध आज खत्म हुआ था? नहीं, आज खत्म नहीं हुआ था महाभारत का युद्ध। आज खत्म नहीं हुआ था महाभारत का युद्ध, शुरू हुआ था मोक्षदा एकादशी के दिन। ठीक है, तो उसके 18 दिन आप गिन लीजिए। ठीक है ना, वो है। आपको पूछना है, चंदन का लेप क्यों लगाया जाता है? चंदन का लेप क्यों लगाते हैं? चंदन का जो लेप है ये गर्मी के दिनों में शरीर को शीतल करता है। तो पहले के समय में एसी वगैरह नहीं होते थे, कूलर नहीं होते थे, पंखे नहीं होते थे, लेकिन चंदन का लेप अगर शरीर में लगा लें तो दिन भर के लिए जो है ठंडक बनी रहती थी। तो चंदन का जो लेप है ये सबसे अच्छी विधि है गर्मी को दूर करने की। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी में सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जो सबसे अधिक पवित्र विधि है शरीर को शीतल करने की वो चंदन ही है। भगवान की सृष्टि में चंदन इसीलिए बना हुआ है, चंदन के द्वारा। एक तो चंदन के द्वारा लोगों का शरीर शीतल होता था और दूसरा था रात्रि के समय चंद्रमा की किरणों से गर्मी, दिन भर गर्मी में शरीर झुलस जाता था तो रात्रि में जब चंद्रमा की किरणें निकलती थी, चंद्रमा के प्रकाश में लोगों को शीतलता का अनुभव होता था। तो ये विधि होती थी मेरा, चंदन में शीतलता भी होती है और सुगंध भी होती है ना। चंदन में बहुत से गुण हैं और ये भी कहा जाता है कि भगवान की जो कथा है वो भी चंदन की लकड़ी के समान है। जैसे चंदन को आप जितना घिसते हैं उतनी उसकी सुगंध बढ़ती है, उसी प्रकार से ये जो कथा है जो प्रभु जी ने सुनाई है आप जितने बार सुनते हैं इसमें उतना रस मिलता है। चंदन का एक उदाहरण दिया जाता है। ये जो बाकी भौतिक साहित्य है, कोई उपन्यास है या समाचार पत्र है, आप एक बार पढ़ते हैं तो फिर उसको दोबारा नहीं पढ़ना चाहते। वो क्या है, जैसे आपने चबा करके आपने थूक दिया तो दोबारा आप नहीं चबाएंगे। दोबारा चबाना बड़ी निंदा की बात होती है। उसी प्रकार से जो भौतिक समाचार पत्र हैं या उपन्यास होते हैं, एक बार आप पढ़ लेते हैं तो दोबारा उसको पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन ये जो कथाएं हैं
श्रीमद् भागवत की है, चतन चरितामृत की है, माँ देवेंद्रपुरी की कथा है, ये क्या है, चंदन के समान है। चंदन को जितना आप रगड़ें उतना उसमें सुगंधी निकलती है, उसी प्रकार से इन कथाओं को जितना आप सुनते हैं उतना उसमें और रस मिलता है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, माधवेंद्रपुरी के तो सपने में आके भगवान ने उनको आदेश दिए, तो हमारे लिए क्या आदेश है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है? देखिए, कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए आदेश यही है जो प्रभु जी ने बताया, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, चार नियमों का पालन करो, 10 अपराधों से बचो, है? तो ये जो है हर व्यक्ति के लिए और हर समय ये आदेश हैं। और फिर विशेष आदेश परिस्थितियों के अनुसार और मिलते हैं। आप इन आदेशों का पालन करेंगे तो आपके लिए कुछ विशेष आदेश उस समय के लिए और उस स्थान में उस परिस्थिति में आपको दिया जाएगा। तो भगवान जो है सबके हृदय में बैठे हुए हैं, और किसी व्यक्ति को जब आवश्यकता होती है तो किसी साधु से और गुरु से मिला देते हैं जो कि उनको आदेश देता है, लेकिन सामान्य आदेश यही है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। माधवेंद्रपुरी जी ने जो गिरिराज जी पे गोविंद जी की स्थापना की थी, क्या उस गिरिराज जी पे चल के वहाँ पे हम लोग दर्शन करने जा सकते हैं? गिरिराज के ऊपर स्थापित की थी, इसके बाद अच्छा वहाँ पर, हाँ देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने जिस समय उनका दर्शन करना चाहा गोपाल जी का, तो उन्होंने फिर ये जो है परंपरा बना दी कि हम लोग गिरिराज के ऊपर नहीं चढ़ेंगे। जिस समय गोपाल जी ने आदेश दिया था कि मुझे ऊपर स्थापित करो, वो समय अलग था। उस समय वृंदावन पूरा जंगल था और मंदिर का पता नहीं चलेगा जब तक कि ऊपर ना स्थापित किया जाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने फिर जब परंपरा बना दी कि हम गिरिराज के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, तो हम लोग गिरिराज के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। लेकिन वो गोपाल जी का जो मंदिर है वो अब नीचे आ चुका है, वो नीचे आ गए हैं गोपाल जी, हैं, और उनकी जो स्थापना है वो गोविंद कुंड के पास है। अभी उनका जो दर्शन है आप लोग कर सकते हैं, गोविंद कुंड में ही वो गोपाल जी का दर्शन होता है। ठीक है, धन्यवाद। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।